हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। तो दोस्त बताइए, कैसे हैं आप सभी? आई होप के आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नीतिका शेखो एक बार फिर से करती हूँ स्वागत दिल से। तो गाइज, आज मैं हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेकर, और कीजिए मेरे साथ अपने दिन की शुरुआत। टाइम हो चुके हैं जी, सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। और गाइज, आज बच्चों की बस आएगी 1 घंटा लेट, क्योंकि इनके स्कूल का ना 1 घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया है कोहरे की वजह से सुबह को। तो जी, अभी मैंने इसको निला दिया है, बस अब थोड़े से इसके बाल ड्राई करूंगी ड्रायर से और फिर पहनाऊंगी यूनिफॉर्म। अभी बच्चे रेडी होने लग रहे हैं। बोलो सबको गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। मम्मा जल्दी जल्दी मेरे बाल ड्राई कर दो, मुझे ठंडी लग रही है। करी, चलो जी, अभी मैं इसके बाल पहले कर देती हूँ ड्रायर से ताकि ये सूख जाए जल्दी से, कभी ठंडी ना लग जाए। कितने रह गए किले अभी? अब तो सूख गए बेटा। चलो जल्दी करो बाबू, देखो टाइम ना 7:30 बजने वाले, 8 बजे आ जाएगी गाड़ी। चलो जल्दी, चलो चलो, बस अब बंद करो इसे, मैं तो गर्माहट का भी तक लेते रहिए इससे। तो भाई देखिए, बच्चे जाने वाले हैं जी स्कूल में, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा 1 घंटा चेंज हो गया और दिन भी बढ़िया निकलेगा। गाइज कीजिए सुबह सुबह सूर्यदेव महाराज के दर्शन, देखिए अपने दर्शन देने लग रहे सूर्यदेव महाराज। बच्चे रेडी हो गए और बोर से हो रहे, बल्कि आज तो ही, क्योंकि सुबह इस टाइम पे स्कूल भी पहुंच जाते थे और आज आई थोड़ी सी, बस अभी तक आई नहीं। बाय 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 बेटा। जाओ जाओ, चलो निकलो। देखो कान इसमें ना, कैप में ये ऐसे हो रहा, सही कर। दिशु इधर आ जाओ बेटा, वहां ना घुसो, आज ऊपर आवे आज। नहीं अभी नहीं आई। तो गाइस देखिए, आज कितनी बढ़िया धूप निकल गई, आज तो मौसम बढ़िया हो गया और तेज धूप है। जैसे 2 दिन तक रही ना ठंडी ठंडी सी धूप, ऐसे नहीं, आज तो बढ़िया धूप है। और मम्मी जी बैठ गई धूप में अपने अमरूद लेके, बढ़िया बढ़िया अमरूद खाएंगी मम्मी जी आधी आधी किलो के। अच्छा, ये तो किसी को बढ़िया लग रहा, धोखा हो गया इनमें तो। बिल्कुल हाँ, अपने पेड़ के तो अच्छे ही। कल लेके आई थी मैं अपने पेड़ पे से, कुछ उन्हें दे दिए सुबह ही बच्चों के डैडी जी को और कुछ बच्चों की अम्मा जी खाएंगी अब। और अब और काम करेंगे भैया, बच्चों के जाने के बाद इतना काम हो जाए, और आज बच्चे लेट गए तो जी काम भी थोड़ा सा सारा लेट सा ही हो गया। और मम्मी जी ने रजाई भी डाल ली अपनी धूप में, क्योंकि आज धूप बढ़िया हो रही है। मैं भी डाल कहूंगी पीछे तार पे अपनी रजाई फाइबर वाली। तो भाई देखिए, हमारा खाना बनकर रेडी हो गया है और जी अब मम्मी जी का खाना लेकर चलेंगे। ये बनाए हैं जी आज हमने मिक्स दाल, देखिए जी मिक्स दाल बनाई है आज खाने में, और चावल और ये हरी मिर्चा का अचार बनाया है मम्मी जी ने, ये लेकर आऊंगी। कहाँ चले गए? नहीं वहाँ बैठे बाल कटवा रहे जी खाना अपना। हरी मिर्चा का अचार भी ला रही है भैया आपका, प्लेट में ही रख रखा अलग में, क्योंकि इस समय स्पेस कम बच रहा था। हाँ इसलिए अलग प्लेट में निकाल ला आपका स्पेशल हरी मिर्चा का अचार फेवरेट। तो भाई ये अचार मम्मी जी का फेवरेट, सबसे ज्यादा मम्मी जी और इनके बेटे ही खावे इस अचार को, और कोई नहीं खाता। बस कभी कभार मैं एक आध मिर्ची ले लूँ, बाकी पापा जी भैया जी कभी नहीं लेते, सिर्फ ये दोनों माँ बेटे। 2-3 दिन तो मैं भी लंच बॉक्स में भी रखवा के लेके जाएंगे, और फिर 2-3 दिन के बाद बंद कर देंगे। फिर एंड इसका मम्मी जी ही रख रहे हैं। तो वो क्या करे, इतनी रखी थी। हाँ वैसे भी सूख के ही रखी हुई, अब मम्मी जी ने इनका अचार बना लिया, तो ये सारी मिर्चा हो जाएंगी यूज। बढ़िया ये गाइस, आप भी खा के देखियो एक बार, बढ़िया लगे है। वैसे मेरे से तो ज्यादा खाया नहीं जाता, मिर्ची लगे है। तो जी देखिए, टाइम हो गए दोपहर के, 2 बजने वाले, और जी दिन कैसे चला जा भैया कुछ नहीं पता चलता, छोटा सा दिन हो लेकिन जिस दिन धूप निकल जाओ उस दिन तो फिर भी कुछ दिखाई दे जाओ। और जी मैंने ना सारे कपड़ों को पलटी दे दी ताकि ये अच्छे से सूख जाए, फिर पलटी देगा ना, अब ये जो गिल्ले थे अंदर से वो उन पे धूप बढ़िया सी लगेगी। और देखे जी हमारी बिल्ली रानी ने दूध दूध तो पी लिया, लेकिन बैठी कि और मिलेगा, लेकिन और नहीं देने क्योंकि फिर इससे इसकी आदत खराब हो जा। अब शाम को दूंगी, पी लिया पीने के बाद भी म्याऊ म्याऊ। हाँ क्या चाहिए? छग्गी देखो, जब छकती नहीं तब तो ऐसे अपने पाँव पे खड़ी हो के दिखाना स्टार्ट कर दिया ये। और चाहिए क्या? देखिए जी कहाँ छुपी जा रही, ये देखिए इसने कितनी अच्छी जगह ढूंढी छिपने के लिए। जी बिल्ली को मिल गया है नया घर। कहाँ घर ढूंढ रही है अपने रहने के लिए।
और कल तो इसमें घुसी बैठी थी, इसमें मम्मी ने गुस्से रख रखेगी, कभी कभार इमरजेंसी में ये चलाना पड़ जा चूल्हा, तो जी कल इसके अंदर घुसी बैठी थी। और अब धूप लेगी, बैठ जा धूप में, निन्नी कर ले आराम से, ठीक है। और जब मैं भी चलूंगी अपनी रजाई लेकर अंदर, थोड़ी सी देर मैं भी आराम करूंगी जब तक बच्चे आएंगे। गुड आफ्टरनून, क्या लेके आई? है मेरा बच्चा मेरे लिए रोज नई नई चीजें लेके आता है, थैंक यू। स्कूल में से मिला? अच्छा चलो हैंड वॉश करो, कपड़े चेंज करो, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गलत बना दिया, 38 आवेगा। तो जी देखिए टाइम हो गया है 4:15, और आज बच्चे स्कूल से भी लेट आए थे, और जी ट्यूशन में भी थोड़े से लेट जा रहे बच्चे, 4:15 बज गए, स्कूल से भी ये 3 बजे के बाद ही आए। आज आज वही आओ आओ चलो, तो जी भी छोड़ के आ रहे नीचे ट्यूशन के लिए। देखिएगा जी टाइम हो गया जी 4:45 शाम के, और सूर्यदेव बिल्कुल अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुके, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे उतरेंगे अब बिल्कुल खेत में ही। और गाइस देखिए मौसम तो साफ हो गया, शायद धुंधा आज रात को भी आ सके, आज बिल्कुल साफ मौसम हो रहा। और मम्मी जी काट रही इधर सब्जी, फिर मम्मी जी जाएंगी नीचे। और जी देखिए मम्मी जी ने तो काट दिया आलू गाजर की सब्जी, अब मैं खाना बनाऊंगी, बच्चे भी थोड़े लेट ही आएंगे ट्यूशन से। ये कौन सा महीना चल रहा मम्मी हिंदी के हिसाब से? दो इकट्ठे ही हो गए, शादी तो खूब हो जनवरी दिसंबर में, बस अपने आप ही बना लिया इसमें केव के वगैरह जाते बच्चों के, यही बता रहे कि केव के जाते इस महीने में, अपने आप ही बना ली सब ने, नहीं तो पंडित थोड़ा ही मना करते होंगे, सब दिन भगवान है। हाँ और नया साल चलेगा इससे अच्छा और क्या होगा। तो जी देखे टाइम हो गए 5:30 बज गए, बच्चे अभी आए नहीं ट्यूशन से, थोड़ी देर में फोन आने वाला उनकी दीदी का, तो तब उन्हें ले आएंगे बच्चों को। और ये सिलेंडर भी आ गया जी भर के, सिलेंडर राजा, क्योंकि ये तो किचन का राजा होता है, इसके बिना तो किचन में कुछ होता ही नहीं भैया, सब कुछ इसी से होता है, किचन इसी से चलता है। और गाइस देखिए इधर मैंने कर दी है शाम के डिनर की तैयारी, मेरे हाथ आटे में हो रहे, देखिए जी आटा छान ली थी मैं, तो जी मैंने बना दिया है आलू गाजर मटर। ये मैं आटा बनाने के लिए थोड़ा सा पानी कर रही हूँ गुनगुना, ये मैंने दूध भी निकाल लिया फ्रिज में से, इसको पकने के लिए रखूंगी। और जी आज जितनी भी मटर थी ना मैंने गाजर में सारी डाल दी, क्योंकि गाजर मीठी मीठी सी लगे, बच्चे कम पसंद करे, तो जी मैंने सारी डाल दी। अब कल सुबह फिर पापा जी को ना मंडी भेजेंगे सब्जी लेने के लिए, क्योंकि बाकी आज सब सब्जियां खत्म होगी, बस रात को तो कुछ भिगोना ही पड़ेगा आज। देखिए मेरा बाबू आ गया और अपना खिल्ली खिल्ली करेगा, क्या हो गया, क्यों परेशान से हो रहे हैं? आज मेरी गोदो आओ, गोदो बैठोगे मम्मा की, आ जाओ मम्मा की गोदो बैठेगा मेरा बच्चा, आ जाओ। तो गाइस देखिए देवशी आई थी अभी खेल के, नहीं नहीं खून नहीं निकल रहा, मैं तो अब देखा इसका, तो गाइस देखिए मेरे बाबू के ना चोट लगी, देखिए जी मैं तो अभी देखा कि पता नहीं क्यों परेशान सी हो रही, रो सी रही, लेकिन बताया नहीं बेटा, जब चोट लगी थी मम्मा को बताना चाहिए था ना, मेरा बच्चा चलो इसके पट्टी करेंगे, ठीक है चुप हो जाओ। ये देवशी के ना लगी चोट, पता नहीं कहाँ पे लगवा के आई, सारी चिन्ह में कितनी गहरी चोट लग रही है, रोते नहीं। तो भाई देखिए कितनी चोट लगी मेरे बाबू के चिन्ह पे, और बताया तक नहीं मुझे, रो तो रहे लेकिन ये नहीं बताया कि मम्मा मेरे चोट लगी, अभी ट्यूशन से आई पता नहीं कहाँ पे चोट लगवा के आई, अब पट्टी करेंगे, चलो ऐसे नहीं करते, रोते नहीं, आ जाओ बेटा, आपको भी नहीं पता चला कहाँ पे चोट लगी इसके? देवशी बताओ पापा को चॉकलेट खा ली है, बोलो बोलो पापा को, पापा मेरे चॉकलेट लेके आना, हंस रही है, और अभी इतनी चोट खा के भी हंसी आ रही, बोलो बताओ बोलो, हंसी नहीं आ रही,
हंसी नहीं आ रही। देखिए मेरे बाबू के तो लगी चोट, अब मैं थोड़ी सी इस पे देखती हूँ। वैसे यहाँ पे पट्टी रुकती तो है नहीं, लेकिन देखती हूँ टेप वगैरह से कैसे थोड़ी सी पट्टी अगर हो जाए तो, नहीं तो क्रीम वगैरह ही लगा दूंगी जो भी हो। मेरे बाबू के बहुत दुख हो गया, दर्द हुआ। दुख हुआ कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। डेकोरेट है अभी स्टोर पे जाके ना, ये मैं फिलहाल के लिए लगा रही टेप, डॉक्टरी वाली टेप ले आई हो, ठीक है? ओके, ये फिलहाल के लिए ऐसे ही लगा रही मैं, क्योंकि टेप नहीं है। चुची ये वाली सही रहती है, वैसी है। हाँ नहीं अब बुला दियो, अब यहाँ पे पट्टी ऐसे रुकती नहीं, अब दो चार दिन तक तो यही लगेगा। अभी फिलहाल वैसे ला दियो बेटा स्टोर पे से जाके। अरे डांस पे मर ले वो सोने, डांस पे मर ले। अभी ये मैं काम चलाऊ लगा दी मैंने, ठीक है बाबू? ओके पापा जाएंगे, पापा ला देंगे अच्छे वाले। फोन करके पापा को ही कह देना। जूतर जैसा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रहा है। ये तो मजबूरी में लगानी पड़ी मुझे ये वाली टेप। अब मैं इसको ना, अब मैं देवश्री की पट्टी पे ना फिर मैं डिजाइन भी करूंगी। स्माइल लगा दूं पट्टी पे, हैं? स्माइल बना दूंगी थोड़ी सी। बेटा आपने सारी टेप भी राउंड कर दी, मना करूं थी रोज की, ऐसे बर्बाद नहीं करते टेप को। अब देखो आपकी लगी चोट, अब करो। तो जी देखिए अब देवशी के लिए लेकर आई हूँ मैं हल्दी वाला दूध, अब मेरा बेटा पिएगा निवाया निवाया हल्दी वाला दूध। इसके लगी चोट, तो ये चोट में काफी आराम देता है, ये होता है जी घरेलू नुस्खा। तो गाइस और मैंने देवशी कार्ड भी बनाया है। अच्छा ठीक है, अपनी बहन का ध्यान रखो। हाँ ठीक है बना लो, चलो बेटा फटाफट से पी लो, दीशु निवाया निवाया पियो फटाफट। देखिए बच्चों के लिए तो हमने बना दिया जी फ्राई राइस, क्योंकि बच्चे नहीं खाते आलू गाजर। गोभी तो खा भी ले, प्रीत तो बिल्कुल नहीं खाती आलू गाजर। वैसे लगे अभी मिट्टी मिट्टी सी, इतनी बढ़िया सी लगती नहीं। गोभी ज्यादा टेस्टी लगे आलू गाजर। प्रीत ले जाओ बेटा, मक्खन भी ले लूं क्या? मैंने कहा था सुबह मगा ये माँ बेटे ही पूरे लगेंगे इन मिर्चा के चार पे। देखियो फ्राई राइस के साथ दिखा दो, तो मिर्चा का चार खाने। तो भाई देखे यहाँ पर हो गया है जी झगड़ा। तो भाई देखिए अभी हम बाहर देख रहे थे, एक लफड़ा सा हो गया था, हो गया उसमें फैसला, 20,000 रुपए मांग रहे थे, 4,000 पहले वो दो दे रहा था, तो फिर दो मैं नहीं मान रहे थे कि नहीं दो मैं नहीं कुछ होता, अपने मालिक को बुलाओ। और भी गांव में से भी आदमी इकट्ठे हो गए थे फिर, और हालांकि ज्यादा नहीं लग रही, बस हल्की सी आग गया सही लग रही साइड सी, ज्यादा नहीं लगी कहीं पे। फिर 20,000 नहीं तो फिर 5,000 मांगे वो, दे रहा था 2,000 में भी फैसला नहीं किया, फिर 4,000 में भी नहीं, फिर 5,000 लेकर तब फैसला हुआ। नहीं तो ये था कि अब चलो थाने में, अगर 20,000 नहीं देते तो थाने में लेकर चलो, तेरा मालिक अपने आप भरेगा। तो ये गाइस यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा सा हो गया था, मैंने दिखाया आपको, तो जी अब वो फैसला हो गया, हमने एंड करवा दिया उसका पूरा फैसला देख के मैं और प्रीत तब हटे वहां से। तो जी 5,000 में फैसला हुआ, थोड़ी सी गाड़ी में स्क्रैच सी आई थी आगे, तो उसके उनसे ट्रक वाले से 5,000 रुपए ले लिए। अब आप बताओ सुबह के लिए छोले भिगो दूं? कल भी पूछा था यही सवाल, कल मना कर दी थी, लेकिन कल को भिगोने पड़ेंगे क्योंकि सब्जी हो रही सब खत्म घर में, सिर्फ टमाटर रखे बाकी सब सब्जी खत्म होगी, सुबह ही पापा जी को भेज देंगे मंडी, तो इसलिए छोले ही भिगो दूं। ठीक है छोले चावल ले जाइयो है। और बताओ आज का क्या गिफ्ट से दे रहे थे आप कंपनी में, बड़े नाम से दे रहे थे, क्या था आज कंपनी में? अच्छा कितनों को दिए गए? 17 किस उसमें दिए गए उन्हें? काम किया अच्छा उन्होंने। अच्छा फर्स्ट सेकंड भी था क्या उनमें? ना अच्छा ऐसा कुछ नहीं था,
चलो अच्छी बात है। सुबह के छोले चावल बनावेंगे तो गाइस कल की तैयारी आज से ही करनी होती है, आज शाम से ही कि कल क्या बनेगा यही होता है जी जॉइंट फैमिली में। तो गाइस चलिए बस अब करेंगे अपने व्लॉग का भी यही पर एंड, कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।